Good morning, student. Welcome to UPN online classes. I am Dheeraj, your account teacher. Today we will discuss numerical questions in partnership. आज जो हमारा टॉपिक्स रहेगा वो पार्टनरशिप के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पे बेस्ड रहेगा, क्योंकि हमने लगभग सब कुछ जो टॉपिक्स हैं जिससे हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं वो क्लियर कर लिए हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशंस, फॉर्मेट विद फॉर्मेट में जो डिजिट्स थी उनका सोल्यूशन. नेक्स्ट पार्टनर्स अकाउंट जो मेंटेन होते हैं टू टाइप्स ऑफ फिक्स मेथड, फ्लक्चुएटिंग मेथड, दोनों को अच्छे से कंसल्ट किया गया है. फिक्स मेथड में क्या आता है, फ्लक्चुएटिंग मेथड में क्या आएगा. एडिशनल जो भी इंफॉर्मेशन हमें रिक्वायरमेंट में है वो सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन हम कंप्लीट कर चुके. मैंने ये बोला भी था कि सबके पास बुक्स होनी चाहिए. अब अधिकतर बुक्स बच्चों के पास नहीं है, तो करना क्या है कि हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो उन क्वेश्चंस की मैं पहले पिक आपको भेज दूंगा व्हाट्सएप पे. उस पिक को आप स्टडी करो मेरे साथ साथ में और उसके बाद उसका सलूशन करेंगे. तो आज कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे जिसमें पहले एप्रोप्रिएशंस बनते हैं, उसके बाद उन क्वेश्चंस का सलूशन होगा जिसमें पार्टनर्स कैपिटल के हो, और फिर उन क्वेश्चंस का जिसमें एप्रोप्रिएशन विद पार्टनर कैपिटल. स्टार्टिंग एप्रोप्रिएशंस से होती है, तो पहले एप्रोप्रिएशंस के क्वेश्चंस करेंगे, फिर पार्टनर्स कैपिटल के क्वेश्चन करेंगे, फिर ऐसे क्वेश्चन जिसमें कंबाइंड पहले एप्रोप्रिएशन बनता हो फिर पार्टनर्स कैपिटल बनता हो. तो जिसके पास बुक्स है, अवेलेबल हैं, वो बुक्स भी रखें, बहुत अच्छी बात है. जिसके पास बुक्स नहीं है उनके लिए मुझे पिक भेजना होगा, तो मैं कभी व्हाट्सएप ग्रुप पे आपके सेंड कर रहा हूँ. तो व्हाट्सएप ग्रुप पे जो भी हमारा स्कूल ग्रुप है उसमें आप चेक कीजिए उस पिक को, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन की सोल्यूशन करेंगे. ओके, तो व्हाट्सएप ग्रुप ऑन कीजिएगा अपना, अभी ऑन है, उसमें मैं कुछ पिक एक क्वेश्चन की पिक सेंड कर रहा हूँ, उसके बाद उसका सोल्यूशन करेंगे. और बुक्स अवेलेबल करो अपने पास में, बहुत जल्द बुक्स ले गया बेटा. अभी मैंने क्वेश्चन सेंड किया है आप सभी को. एक क्वेश्चन सेंड किया है सभी को, इस क्वेश्चन की स्टडी कर रहा हूं मैं आपके साथ में, आप भी इसको स्टडी करो कि हर्षद एंड दमन आर पार्टनर्स सिंस अप्रैल 2013. मेरे में 13 है जिसमें जो डेट्स हैं वो डेट्स के अकॉर्डिंग यूज करें. नो पार्टनरशिप अग्रीमेंट, उनके बीच में कोई पार्टनरशिप अग्रीमेंट नहीं है, वास मैट, उन्होंने कोई एग्रीमेंट नहीं बनाया. यानी पार्टनरशिप डीड का क्या है, अब्सेंस. अब रूल याद रखना, अब्सेंस है तो क्या होगा. दे कंट्रीब्यूट 4 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली एज कैपिटल, एक ने 4 लाख और एक ने 1 लाख कैपिटल को इंट्रोड्यूस किया. इन एडिशनल हर्षद एडवांस एन अमाउंट ऑफ 1 लाख टू द फर्म ऑन 1st अक्टूबर 2013 ड्यू टू लॉन्ग इलनेस. हर्षद ने एडवांस एक अमाउंट और दिया 1 लाख का 1st अक्टूबर का, तो एडवांस दिया तो उसने कैपिटल के थ्रू तो दिया ही नहीं, सिर्फ बोला एडवांस दिया. इट मींस उसने क्या दिया फर्म को, लोन. याद रखना फर्म के लिए क्या हो गया वो लोन. एडवांस अमाउंट मिलना लोन है, एडिशनल कैपिटल मिलना कैपिटल होगा, लेकिन एडवांस अमाउंट अगर कुछ मिलता है तो उसको कैसे ट्रीट करोगे, एज ए लोन. कब दिया है, 1st अक्टूबर 2013. हर्षद कुड नॉट participate in business activity from August 1st to September 30, 2013. हर्षद ने कोई भी participate नहीं किया firm की activity में अगस्त से लेकर सितंबर तक, क्योंकि वो बीमार था. The profit for the year ending 31st March 2013 amounted to 1,80,000. जो firm का profit है वो कितना हुआ, 1,80,000. Disputes has arise between हर्षद and धमन, उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स, कुछ मिस अंडरस्टैंडिंग हो गई. तो हर्षद ने क्लेम क्या किया, देखो हर्षद ने क्लेम किया ही शुड बी गिवन इंटरेस्ट ए रेट ऑफ 10% पर एनुअली ऑन कैपिटल एंड लोन.
मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए 10% और जो मैंने लोन दिया था उस पर भी 10% दिया जाए, तो आप बोलो क्या उसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड होगा? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, स्टार्टिंग में बोला था, और अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं होगा फर्स्ट ऑफ ऑल। तो इसका ये दावा तो कैंसिल कर दिया, ये क्लेम तो हमने कैंसिल किया। नेक्स्ट बोला कि मुझे लोन चाहिए, लोन पर इंटरेस्ट ये 10%, अब 10% इंटरेस्ट ऑन लोन चाहिए, तो इसका ये जो क्लेम है वो भी क्या होगा, कैंसिल होगा। क्यों? इंटरेस्ट ऑन लोन दिया जाएगा, अब्सेंस की कंडीशन में भी दिया जाएगा, लेकिन कितना परसेंट दिया जाएगा? 6% पर एनुअली। तो 10% इसने क्लेम किया है, हम कितना प्रोवाइड करवाएंगे? 6% पर एनुअली। प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इन प्रोपोर्शंस ऑफ कैपिटल। उन्होंने बोला कि प्रॉफिट और लॉस जो है वो कैपिटल के अनुपात में डिवाइड कर दो, जो भी उनका कैपिटल का रेशियो है, जैसे 4:1 आता है, तो क्या 4:1 में डिवाइड होगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है तो इक्वल कैसे डिवाइड होगा? इक्वली। राधिका ने एक दिन बोला था ना, इक्वली डिवाइड होता है, कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होता था। अब धमन ने क्या क्लेम किया ये देखो, प्रॉफिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूट इक्वली, इसने बोला इक्वली डिवाइड कर दो, बात है हम इसकी बात नहीं मानेंगे, डीड में ही लिखा हुआ है इक्वली डिवाइड होगा, तो ये तो इक्वली डिवाइड हो जाएगा। ही शुड बी अलाउड 2000 पर मंथ ए रिम्यूनरेशन ऑफ द पीरियड इन मैनेज द बिजनेस इन द अब्सेंस ऑफ हर्षद। उसने कहा जब हर्षद नहीं था बिजनेस में, उस पीरियड का मुझे 2000 पर मंथ के हिसाब से रिम्यूनरेशन चाहिए, क्या प्रोवाइड होगा? कोई रिम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं होता जब अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड है, ये क्लेम इसका कैंसिल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड लोन शुड बी अलाउड ए रेट ऑफ 6% पर एनुअली, इसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% और लोन पर 6% प्रोवाइड करवाते, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इसके कहने से क्या होता है, प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अग्रीमेंट का अब्सेंस है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन लोन 6% देंगे, बात है इसके कहने से नहीं, किसमें लिखा हुआ है? अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड अकॉर्डिंग टू एक्ट पार्टनरशिप 1932। तो इन्होंने कुछ क्लेम किए हर्षद और धमन ने, और उन क्लेम्स को हमने क्लियरली पढ़ा है, लेकिन हम इन क्लेम्स को कोई भी प्रोवाइड नहीं करेंगे, हम क्या प्रोवाइड करने वाले हैं? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीड अब्सेंस रूल्स यू आर रिक्वायर्ड टू सेटल द डिस्प्यूट्स बिटवीन हर्षद एंड धमन, आल्सो प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इन्होंने कहा कि आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बना के बताओ, तो हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाए। अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाने से पहले याद रखो कुछ ऐसे डिजिट्स आई हैं जो मैंने एप्रोप्रिएशन में नहीं लिखा, लेकिन वो आपको प्रोवाइड करवानी, तो किसमें करवाओगे? जो एप्रोप्रिएशन से पहले बनता हो। अब एप्रोप्रिएशन से पहले कौन बनता है? प्रॉफिट एंड लॉस, तो उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस में प्रोवाइड करवा देना। कौन सी डिजिट है इस क्वेश्चन में? वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन। क्वेश्चन में था लोन, उस पर कितना परसेंट देना इंटरेस्ट ऑन लोन, कितना परसेंट देते अब्सेंस में? 6% पर एनुअली। क्या मैंने इसको एप्रोप्रिएशन में कहीं मेंशन किया है? एप्रोप्रिएशन में तो मेंशन नहीं है, एप्रोप्रिएशन में तो क्या है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, बोनस, कमीशन, रिजर्व और इंटरेस्ट ऑन ड्राफ्ट, ये सब मेंशन है, तो इंटरेस्ट ऑन लोन मेंशन नहीं है, तो मेंशन नहीं है तो इसको कहां प्रोवाइड करवाया जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस। याद रखना इंटरेस्ट ऑन लोन एक प्रकार से चार्ज ऑन प्रॉफिट, चार्ज ऑन प्रॉफिट मीन्स ऐसी डिजिट्स जो प्रॉफिट हो या ना हो आपको अवेलेबल कराना होगा, आपको देना होगा, प्रोवाइड करवाना होगा, उसे कहते हैं चार्ज ऑन प्रॉफिट। तो इसके लिए प्रॉफिट एंड लॉस बनेगा, क्वेश्चन बोलेगा नहीं प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, आपको क्वेश्चन की स्टडी करके पता चलेगा इंटरेस्ट ऑन लोन देना है, एप्रोप्रिएशन में मैं श्योर नहीं कर सकता, तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? प्रॉफिट एंड लॉस। तो एक छोटा सा प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। जो भी डेट हो आ जाएगी, कितना प्रॉफिट है क्वेश्चन में? 1,80,000, तो बाय प्रॉफिट 1,80,000। इसमें से प्रोवाइड क्या करवाना है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू
इंटरेस्ट ऑन लोन कितना परसेंट है? 6%। बोलो इंटरेस्ट लोन की अमाउंट कितना है? लोन का अमाउंट है 1 लाख। रेट 6% इंटू, क्या आपको डेट है अवेलेबल? तो डेट अवेलेबल है, लोन कब दिया है? अक्टूबर, फर्स्ट अक्टूबर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी एंड मार्च, कितने मंथ्स हो गए? 6। तो 6 upon 1। कितना प्रोवाइड करवा देंगे? 3000। ये प्रोवाइड करा दिया। अब ये जो पैसा बचा हुआ है वो किसमें ले चलो? कौन सा अकाउंट बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। तो डिफरेंस प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ऐसे बनता है प्रॉफिट एंड लॉस। इसके बाद बनेगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। यहां डेट लिख लेना, जो डेट है आपकी जो चीजें मैं वापस रिपीट करता हूँ, इन्होंने कहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड कराओ, हर्षद ने कहा 10%, धमन ने कहा 6%, ऐसा कुछ प्रोवाइड होगा? बिल्कुल नहीं होगा, अग्रीमेंट का अब्सेंस है, सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, और अग्रीमेंट का अब्सेंस होता है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड नहीं, खत्म। दूसरा इन्होंने कहा कि रिम्यूनरेशन दो, एक पार्टनर ने कहा था ना रिम्यूनरेशन प्रोवाइड कराओ, कोई भी रिम्यूनरेशन प्रोवाइड नहीं होगा। एक पार्टनर ने बोला इंटरेस्ट ऑन लोन होना चाहिए, तो हमने अकॉर्डिंग टू अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रेट 6% प्रोवाइड करवा दिया। एक बोला कि इन्होंने जो प्रॉफिट या लॉस है वो डिवाइड करा दो कैपिटल रेशियो, ये भी नहीं होगा। जो अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रेट कैसे प्रोवाइड होगा? प्रोवाइड होगा, आपको क्या करना होगा, इसको कर दो आप किस रेशियो में? आपके इक्वल रेशियो में। फर्स्ट लाइन दिखाई थी व्हेन अब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप रेट प्रॉफिट एंड लॉस डिस्ट्रीब्यूट इन इक्वली, इक्वली डिवाइड कर दो। तो 1,77,000 को आप डिवाइड कर दो किस में? हर्षद और दमन में। तो टू प्रॉफिट, हर्षद और दमन 177, ऐसे लिखा करो प्रॉफिट, फिर नाम आपको अंदर ही लिखने हैं, इनके सामने इनकी अमाउंट आ जाएगी, इनके सामने इनके अमाउंट आ जाएगी, जो भी रेशियो बोलो क्या रेशियो है? इक्वली है, इक्वली यानी टू का डिवाइडेशन दे लो। क्वेश्चन नंबर कंप्लीट। फर्स्ट बार हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का क्वेश्चन सॉल्व किया है और अच्छा क्वेश्चन आ गया फर्स्ट अटेम्प्ट में, फर्स्ट अटेम्प्ट में एक शानदार क्वेश्चन हमारे साथ बोर्ड में है। क्वेश्चन काफी लंबा चौड़ा लिखा हुआ था लेकिन सॉल्यूशन कितना आसानी से मिल
मैंने पिक भेजी है, मैं ये नहीं कह सकते किसके पास, मेरे पास क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन नहीं है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ लो, सोल्यूशन देख लो, कहीं भी डाउट है तो क्लियरली मेरे से पूछ लो, ये डाउट वापस नहीं होना चाहिए। पूछो, चलो स्पीकर ऑन कर लो जिसको डाउट है। जिसको भी इसको लेके डाउट है क्वेश्चन में वो मेरे से क्लियरली पूछ सकता है, कैसे ट्रस्ट और नॉन आया, एप्लीकेशन कैसे प्रोवाइड हुआ, कैसे हमने इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व किया। याद रखना इस क्वेश्चन को वापस से देख लेना, कोई डाउट आए तो अभी पूछ लो, बाद में पूछ सकते हो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ आपके साथ में। हाँ जी, कोई डाउट नहीं, करें क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, मोबाइल पे व्हाट्सएप ग्रुप पे चेक कीजिए उसको फटाफट, क्या बोलता है, क्या डिमांड है उसकी, उसके बाद इसका सोल्यूशन करेंगे। फटाफट स्क्रीन को, स्क्रीन पे आ चुका है, मैंने सेंड कर दिया क्वेश्चन, आप स्टडी करो। क्वेश्चन नंबर 4, मोदी प्रधानमंत्री से क्या ऐड कर सकते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, आकृति एंड बिंदु एंटर्ड इन पार्टनरशिप फॉर मेकिंग गवर्नमेंट गारमेंट्स ऑन अप्रैल 1, 2013 विदाउट एनी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर इनके बीच में कोई पार्टनरशिप एग्रीमेंट नहीं है। They introduced capital of 5 lakh and 3 lakh respectively. इनकी capital जो है वो 5 lakh, 3 lakh है। On October 1st, 2013, Akriti advanced 20,000 by way of loan to the firm without any agreement as interest. Akriti ने 20,000 जो loan के रूप में amounts दिया है without किसी agreement के, तो agreement तो नहीं किया, तो क्या Akriti को हम छोड़ देंगे, कुछ भी नहीं देंगे, कितना percent देंगे, 6% पर एनुअली आकृति को भी दे देंगे 20,000, रूल्स है। हाँ नेक्स्ट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग मार्च 2014 शो प्रॉफिट ऑफ द 43,000 Prepared could not agree upon the questions of interest and base of divisible of profit. You are required to divisible the profit between the giving reason for your solution. आपको इसके अंदर profit and loss divide करना है. It means क्या बनाना है? Profit and loss appropriation. जैसा मैंने अभी question किया था, same उसी ही base पर है. कुछ भी नया नहीं है. मैं I think आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। आकृति को जो उसने पैसा दिया है उस पर इंटरेस्ट ऑन लोन आपको प्रोवाइड करवाना है, कितना परसेंट, 6% एनुअली, उसने 6 मंथ के लिए दिया है, याद रखना तो 6 मंथ का निकाल लेना। प्रॉफिट एंड लॉस बनाने के बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाना, प्रॉफिट को लेके आना और कैसे डिवाइड कर देना, इक्वली डिवाइड कर देना और क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब हम नेक्स्ट क्लास लेंगे लगभग 12 o'clock के आसपास में, तो आप ये याद रखना, अगर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो तो मैं करवा दूंगा।
आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना, इसका आंसर भी नीचे मैंने साथ में मेंशन किया है फिक्स में, तो क्या ये क्वेश्चन कर लोगे? क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं आएगा? हाँ तनिषा कर लोगे क्वेश्चन? तनिषा कहाँ गए? मोहित, मोहित राणा सरिया यस सर, हो जाएगा बेटा सॉल्व? यस सर। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है ना? जैसा मैंने थर्ड क्वेश्चन कराया है उसी पैटर्न पे है, सेम पैटर्न, बस ओनली नेम एंड अमाउंट चेंज है और कुछ भी चेंज नहीं है, वही इंटरेस्ट और लोन 6% 6 मंथ का अमाउंट चेंज, वही पार्टनर्स टू पार्टनर्स बस नाम चेंज, वो इक्वली डिवाइड करना, बस अमाउंट चेंज और कुछ भी चेंज नहीं है, सेम हूबहू थर्ड और फोर्थ में कोई टेंशन नहीं, तो फोर्थ का आप अपने आप कर लेना। तो ऐसे फोर्थ का हमारा क्वेश्चन हम मानते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, देखो एक क्वेश्चन है फिफ्थ का मैंने सेंड किया है, उसमें या तो हम अकॉर्डिंग टू जो बुक्स में लिखा हुआ है हूबहू उसको सॉल्यूशन करेंगे तो आंसर मैच नहीं करने वाला 101%। अगर उसमें कुछ जो डाउट्स हैं, हो सकता है नई बुक में वो प्रिंट मिस्टेक सही आ गया, अगर आ गया मैंने पिक भी मंगवाई थी बच्चे से, शायद उसने मैसेज नहीं देखा तो मुझे पिक नहीं भेज पाया क्योंकि बहुत कम के पास बच्चों के पास बुक्स है, तो फिफ्थ क्वेश्चंस की आप एक बार मुझे पिक भेज देना। वैसे मैंने भेजी जो मेरे पास अवेलेबल है, उसमें मैंने कुछ चेंजमेंट किया है, थोड़ा सा चेंजमेंट किया है, उस लाइन को मेंशन कर दिया मैंने ब्लू पेन से उस क्वेश्चन के जस्ट नीचे, उसके अकॉर्डिंग उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उस लाइन में जो मेंशन किया मैंने। अब मैं पढ़ रहा हूँ उस क्वेश्चन को, देखो राखी एंड सीखा आर पार्टनर इन फर्म विद अ कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 3 लाख रिस्पेक्टिवली, द प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडिंग 2013-14 is ₹23,200. As per the partnership agreement, they share the profit in their capital ratio. जो अपना वो shares divide करेंगे, वो किस ratio में करेंगे? Capital ratio. तो इनका capital ratio 2 lakh और 3 lakh है, तो ratio क्या होएगा? 2-3. अब की बार हम ये इनका जो भी profit या loss है, उस इस ratio में divide करेंगे, क्योंकि question की demand है, question ने बोला। इसका मतलब डीन ने बोला है, पार्टनर नहीं बोल रहे, पार्टनर नहीं बोलना चाहिए, क्वेश्चन बोलना चाहिए, क्वेश्चन का मतलब कौन बोल रहा है? अकॉर्डिंग टू पार्टनरशिप डीन। नेक्स्ट है कैपिटल, आफ्टर अलाउइंग ए सैलरी ऑफ 5000 पर मंथ, एक तो आपको सैलरी देनी है 5000 पर मंथ टू शिखा एंड इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% पर एनुअली, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 10% पर एनुअली। During the year, Rakhi withdraw 7,000 and Shikha 10,000 for the their personal use. उन्होंने personal use के लिए 7,000, 10,000 withdraw किया है। Withdraw का मतलब personal use का मतलब हो गया drawings। ये इनका क्या है? Drawings है। बिल्कुल। You are required to prepare profit and loss appropriation account and partner capital account. और आपको partner capital बनाना है, appropriation बनाना है, तो appropriation भी बनाएंगे, partner capital भी बनाएंगे, फिर इसमें partner capital और बनाएंगे। इसमें एक line मैंने mention की है, देखो salary and interest on capital charge on profit, salary और interest on capital है वो क्या है? charge on profit, it means अगर आपके पास पैसा available नहीं है तब भी देना है, okay? तब ये हो सकता है, नहीं तो आपके पास में देखो interest on जो capital 10% होगी तो 2 lakh पे तो 20,000, 3 lakh पे 30,000, क्या आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000 अवेलेबल दिलवा सकते हो? आपके पास पैसा ही नहीं, तो ये तो होगा ही नहीं, या तो हम क्या करें रिमुनरेशन रेशियो में डिवाइड कर दें। लेकिन इस क्वेश्चन में ये चेंजमेंट करना है हमें, तो मैंने वो लाइन दिखा दी,
हो सकता है नई बुक में कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, तो चेक कर लेना ये लिखा हुआ है क्या। मैंने शॉर्ट में सिंपल तरीके से लिख दिया सैलरी एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज ऑन प्रॉफिट, जबकि हो सकता है मेन सिन ये हो, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड सैलरी विल बी प्रोवाइड इवन इफ फर्म इंसॉल्व इन लॉस, ये लिखा हुआ हो सकता है नई बुक्स में, देख लेना कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी विल बी प्रोवाइडेड, आपको प्रोवाइड करवानी है चाहे आपको लॉस हो जाए, इसका मतलब चार्ज ऑन प्रॉफिट यानी प्रोवाइड करवानी। तो हम इस बेस पे इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, तो जो सॉल्यूशन है वो देखो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट for the year ending, जो भी डेट गिवन है वो डेट, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉफिट कितना प्रोवाइड है हमारे क्वेश्चन में, तो भाई प्रॉफिट है हमारे पास 23,200, तो भाई प्रॉफिट 23,200। अब हमें हर चीज प्रोवाइड करवानी है, मैंने बोला था कि अगर प्रॉफिट आपके पास कम हो तो हम कोई भी चीज प्रोवाइड नहीं करवाते, उस प्रॉफिट को रेमुनरेशन रेशियो में डिवाइड करा देते हैं अगर क्वेश्चन साइलेंट है। लेकिन क्वेश्चन में अगर कुछ भी डिमांड है कि आपको देना ही है, प्रोवाइड करवाना चाहिए, लॉस हो जाओ तब प्रोवाइड करवा दो, जैसे इस क्वेश्चन में बोला है, तो हम प्रोवाइड करवाए नहीं तो नहीं करवाते। तो क्या क्या प्रोवाइड कराना है, 5,000 सैलरी करवानी है किसको, शिखा को, तो शिखा सैलरी प्रोवाइड करवाना है। कौन कौन है, एक तो राखी है और एक शिखा है। कितनी कैपिटल है, 2 लाख, 3 लाख, कितना हो जाएगा 10%, 20,000, 30,000, कैपिटल में चेंजमेंट तो है नहीं, तो कौन सा मेथड लग गया, सिंपल मेथड। उसके अलावा और क्वेश्चन में कुछ है मेंशन, कुछ भी मेंशन नहीं है, आपको डिफरेंस अमाउंट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट लॉस है तो लॉस डिवाइड करना है। तो देखो प्रॉफिट से ज्यादा आपने खर्चे कर दिए, इट मींस आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, इतनी अमाउंट ज्यादा ना, तो 1,10,000 डिफरेंस इधर लिखा जाएगा बाई लॉस, किसमें, राखी और शिखा में, कितना हो गया, तो 1,10,000 से 23,200 लेस कर लो, जब भी रेशियो में डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट रेशियो कितना है, 2/5, तो इसके अंक आते हैं, इसका मतलब राखी। और जब 86,800 इंटू 3/5, तो इसकी अमाउंट, ठीक है, रेशियो अपॉन
टोटल रेशियो डिवाइडेशन स्टार्ट करो। जबकि रिसेंट वैल्यूएशन मिलेंगे तो 52,080। एप्रोप्रिएशन कंप्लीट। एप्रोप्रिएशन इस क्वेश्चन का कंप्लीट। किसी के कोई डाउट है तो वो पूछे मेरे से कि इस चीज में डाउट है सर। किसी के कोई डाउट इस क्वेश्चन को लेकर? हाँ बोलो यार, लास्ट वाली लाइन मेंशन नहीं होती तो सैलरी और इंटरेस्ट दोनों ही प्रोवाइड नहीं करवाते क्या? हाँ जी, अगर लास्ट वाली लाइन मेंशन नहीं होती तो सैलरी और इंटरेस्ट दोनों ही प्रोवाइड नहीं करवाते क्या? कोई भी चीज आप प्रोवाइड नहीं करवाते क्योंकि आपके पास देखो 23,200 पीजी है और ये 60,000 सैलरी आपके पास तो कंप्लीट नहीं, नहीं आपके पास इंटरेस्ट और कैपिटल कंप्लीट है। तो आप क्या करते इन तीनों को वर्किंग नोट में निकाल दे, वर्किंग नोट में निकाल के रिमुनरेशन का रेशियो निकाल देते। इनका रेशियो क्या था? 6:2:3। इस 6:2:3 में इसको डिवाइड करते किसको? 23,200। जितना भी हिस्सा सैलरी का था वो सैलरी के नाम से, जितना भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का शेयर था वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। यानी अगर आपके पास में प्रॉफिट का अमाउंट कम है और रिमुनरेशन प्रॉफिट से ज्यादा है तो आपको उस रिमुनरेशन को लिख के उसका रेशियो निकाल लेना है और उस रेशियो में उस प्रॉफिट को डिवाइड कर देना है। अब ये नहीं देखना किसके पास हिस्से में क्या रहा, जितना आ रहा उतना दे दो उसी नाम से। जैसे सपोज इसको हम ना 60 दे सकते हैं ना 50 दे सकते हैं तो इन सब का रेशियो निकाल लेगा। सैलरी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेशियो क्या आएगा? 60:20:30 के तीन चीजें देंगे तो इनका रेशियो आ गया 6:2:3। टोटल कितना हो गया? 11। 6/11 डिवाइड कर दो, 2/11 डिवाइड कर दो, 3/11 डिवाइड कर दो और जो अमाउंट आए उसको इसके सामने रखो और क्वेश्चन क्या हो जाएगा? क्लियर, खत्म। आपको उस कंडीशन में लॉस को शो नहीं करना है क्योंकि लॉस तो आप कर ही नहीं सकते अगर क्वेश्चन में आपको इंफॉर्मेशन नहीं है। आया समझ में? यस सर। ओके बेटा जी, इतना ही रखते हैं आज की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टडी करेंगे क्योंकि टाइम हो चुका है, नेक्स्ट क्लास आपकी स्टार्ट होगी, मुझे भी नेक्स्ट क्लास में जाना होगा। तो यहां तक बोलो, किसी की कोई डाउट है तो पूछ लो। प्रॉफिट एंड लॉस मुझे अकाउंट बनाना है, सॉरी पार्टनर्स कैपिटल, तो मैं पार्टनर कैपिटल इसको देखते हुए बना दूंगा। बाकी पार्टनर्स कैपिटल बहुत इजी है, मैं क्या करूंगा पर्टिकुलर कौन कौन है।